प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करें उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों मैं आज आ पहुंचा हूं पटना फुलवारी शरीफ में स्थित इमारत शरिया में। बिहार झारखंड उड़ीसा के मुसलमानों का एक सबसे बड़ा इदारा जो ना केवल शैक्षणिक बल्कि सामाजिक और स्वास्थ्य सेवा में कई वर्षों से अपनी सेवाएं देता आ रहा है। ये इंस्टीट्यूशन न केवल अल्पसंख्यकों को बल्कि मुल्क के कई सूबों और राज्यों में रह रहे छात्र छात्राओं जो इस तरह के प्रोग्राम से वंचित हैं उनके उत्थान और उनकी तरक्की के लिए संस्थान पिछले कई वर्षों से एक सफलतापूर्वक कार्यक्रम कर रहा है। आज की डेट में इमारत शरिया का क्या प्रोग्रेस है और इस संस्था को किस किस चीज़ों की कमियां हैं जिसको हम पूरा करके इमारत शरिया को और भी अच्छा बना सकते हैं, आज हम इन सभी बातों पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं जनाब मोहम्मद शिबली अल काफी कासमी साहब जो सेक्रेटरी हैं इमारत शरिया में। शिबली साहब सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया हमारे इस चैनल को और काफ़ी सेवाएं दे चुका है, ना कि केवल शैक्षणिक बल्कि सामाजिक तौर पर। मैंने सुना था कि लास्ट जब केरल में डिजास्टर मतलब बाढ़ उड़ाई थी तो यहाँ से काफ़ी रिलीफ वगैरह आप लोगों ने मतलब भेजी है। इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड और बंगाल के कुछ हिस्से, अच्छा बंगाल भी, उनकी एक बड़ी तंजीम है और इसका बड़ा मकसद खिदमत खलक है, इंसानियत की खिदमत। माशाल्लाह इंसानों में बिला तफरीक मजहब व मिल्लत इमारत शरिया शुरू से लेकर आज तक खिदमत करती आई है। बिल्कुल इमारत शरिया 1921 में हजरत मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कायम फरमाया। उस वक्त हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब रहमतुल्लाह अलैह हयात से थे, पटना तशरीफ लाए थे और उनकी सदारत में पत्थर की मस्जिद का महल्ला, वहाँ मुल्क के 500 बड़े उलमा जमा हुए थे। अच्छा। और इस मौजू पर गुफ्तगू हुई कि इमारत शरिया का क़याम बिहार में हो। बिहार का मतलब मुत्तहदा बिहार, उस वक्त का बिहार। अच्छा, झारखंड भी मतलब नहीं, बंगाल के भी कुछ हिस्से थे, उड़ीसा भी उस वक्त बिहार का हिस्सा था 100 साल पहले। तो बिहार में इमारत शरिया कायम हो, उनके एक अमीर हों, इन तीनों रियासतों के मुसलमान अपने मजहबी मामलात में शरी मामलात में इनके अहकाम के पाबंद हों। एक ऐसे अमीर जो न सिर्फ दीन के माहिर हों, इस्लामी शरीयत के जानकार हों, बल्कि उनकी नज़र दुनिया हालात तकाजों पर भी हो। बिल्कुल ऐसी सलाहियत रखने वाले किसी मर्द कामिल को जो शरीयत के जानकार भी हों उन्हें अमीर शरीयत बनाया जाए और बिहार के मुसलमान, उस वक्त के बिहार के मुसलमान कह रहा हूँ, उनके मातहती में बावकार ज़िंदगी गुजारें। चुनांचे 19 शव्वाल 1921 ईस्वी को इमारत शरिया की दाग बेल डाली गई। चुनांचे इमारत शरिया ने मुसलमानों को जोड़ने के लिए ख़ास तौर से एक अमीर के मातहत गांव-गांव में एक तंजीम कायम की। तंजीम हर गांव में एक मजहबी सरदार बनाया गया जिसका नाम नकीब, नायब नकीब, उनके मुशीरान बनाए गए। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आज इमारत शरिया की तंजीम 1600 गांव में 1600 कायम है। ग्रेट, ये तो मुझे ही पता नहीं था। और वो लोग डायरेक्ट अपने मसाइल इमारत शरिया के सामने रखते हैं और वो इमारत अमीर शरीयत के हुक्म के वो पाबंद होता हूँ, गोया कि अपने गांव में वो अमीर शरीयत के नुमाइंदा हुआ करते हैं। एक बड़ा काम हमारे बड़ों ने किया कि कौम को एक अमीर से जोड़ा, एक इदारे से जोड़ा। उसका फ़ायदा ये हुआ कि गांव-गांव तक
نارت شریعہ اور امیر شریعت کا پیغام بھی پہنچا، لوگوں کو زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتائے گئے اور ان کے بھی مسائل امارت شریعہ اور امیر شریعت کو معلوم ہوتے رہے۔ اچھا، تو شعبہ تنظیم امارت شریعہ کا ایک اہم شعبہ ہے جو اسی وقت سے قائم ہے۔ شعبہ تنظیم ہے، شعبہ بیت المال اسی وقت سے قائم ہے۔ اچھا، شعبہ بیت المال کے ذریعے غربہ، مساکین، محتاج، تعلیم سے محروم لوگ، اچھا، ایسے لوگوں کی خدمت کا سلسلہ اس وقت سے آج تک جاری ہے الحمدللہ، بلا تفریق مسلک اور مذہب، ہر ذات برادری اور قوم کے لوگوں الحمدللہ۔ آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں یہاں ہاسپٹل ہے، ہمارے یہاں ہاسپٹل میں جو مرکزی دفتر میں یہاں ہے، کئی ہاسپٹل ہمارے مارا شریعہ کے ہیں، یہاں بھی مولانا سجاد میموریل ہاسپٹل کے نام سے ہے۔ یہاں روزانہ 400-500 مریض آتے ہیں، اچھا، جس میں آدھی سے زیادہ تعداد 400 میں 300 کے قریب ہمارے غیر مسلم بھائی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اسی طریقے سے امارت شریعہ نے شروع دنوں ہی سے تعلیم کو بھی اپنا میدان بنایا، تعلیم چاہے مذہبی تعلیم ہو یا عصری تعلیم ہو، تکنیکی ادارے ہوں جس سے ہمارے نوجوان برسر روزگار ہو سکیں، اس کی بھی فکر امارت شریعہ کے اکابرین نے کیا۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جس طریقہ سے امارت شریعہ کے کئی مدرسے ہیں، بڑے مدرسے ہیں، جیسے یہی دارالعلوم اسلامیہ امارت شریعہ کا بڑا ادارہ ہے جہاں ابتدا سے لے کر کے انتہا تک کی تعلیم ہوتی ہے، دور حدیث تک کی تعلیم ہوتی ہے، پھر دور حدیث سے فراغت کے بعد وہ مفتی بننا چاہتے ہیں، قاضی بننا چاہتے ہیں، تو یہی بغل میں المعهد العالی للتدریب القضاء والافتاء کے نام سے باضابطہ اس کا ایک کورس چلتا ہے ہمارے یہاں۔ سینکڑوں مکتب ایسے ہیں دیہاتوں میں پھیلے ہوئے امارت شریعہ کے، جن کا نظام امارت شریعہ کے بیت المال سے چلتا ہے۔ اس کے علاوہ عصری تعلیم کے میدان میں امارت شریعہ نے نوجوانوں کو باروزگار بنانے کے لیے کئی تکنیکی ادارے قائم کیے۔ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ امارت شریعہ کے نہ صرف یہاں ہیں، یہاں بھی، یہاں بھی اب مجھ سے بات کر رہے ہیں، پھلواری شریف میں خود 4 ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ امارت شریعہ کے ہیں۔ 4 ہیں پھلواری؟ جی ہاں، مولانا منت اللہ رحمانی انسٹیٹیوٹ، اوکے، یہ پھلواری شریف؟ جی ہاں، پھلواری شریف میں ہمارے یہاں مولانا منت اللہ رحمانی پارا میڈیکل انسٹیٹیوٹ، مولانا منت اللہ رحمانی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ایف سی آئی روڈ میں ہے، ڈاکٹر عثمان غنی گرلس انسٹیٹیوٹ ہارون نگر میں ہے، امارت انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر اینڈ الیکٹرانکس، یہ 4 جی امارت شریعہ کے ادارے ہیں یہ سب۔ یہاں کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی امارت شریعہ کے ٹیکنیکل کے ادارے ہیں، راور قلعہ میں ہے، ساٹھی میں، پورنیا میں، دربھنگہ میں، اس طریقے سے متعدد اضلاع میں امارت شریعہ کے ہیں۔ میں اس لیے بھی ملنا چاہ رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، اور میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے مطلب امارت شریعہ میں مطلب کیا ابھی تک چل رہا ہے اور ہسٹری کیا رہی ہے، مجھے بھی مطلب فرینک ٹو بی فرینک مجھے بھی اتنا پتہ نہیں تھا یہاں کے بارے میں۔ مجھے تھا کہ یہاں پہ کورسز ہوتے ہیں، پروفیشنل کورسز ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں سیوائیں آپ لوگ دے رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو ابھی کرنٹ میں مطلب شروعات، اگر ایجوکیشنل کورسز کی بات کریں تو شروعات میں یہاں پہ شاید کمپیوٹر سے شروعات ہوئی تھی، کمپیوٹر سے شروعات ہوئی، اور ابھی ہمارا یہ شعبہ بڑھ کر کر کے ڈی پی ٹی فیزیوتھراپی کی تعلیم ہوتی ہے، پیتھولوجی کی تعلیم ہوتی ہے، ایم ایل ٹی ہے، ڈی ایم ایل ٹی ڈپلوما، ایکس رے ٹیکنیشین، بھی ہے جی ہمارے یہاں، جی بی سی اے، بی بی اے، جے ایم سی، جے ایم سی پری ہے، اوکے، الیکٹرانکس فیٹر ہیں، ڈرافٹ مین سول ہیں، الیکٹرانکس مکینکل ہیں، پلمبر کے کورسز ہیں، اس طریقے سے کئی اہم کورسز ہمارے یہاں چلتے ہیں جی۔ اور ہمارے یہاں کی خصوصیت یہ ہے اس ادارے کی کہ ہم لوگ طلبہ سے کلاس کرواتے ہیں، طلبہ سے کلاس ہر نہیں ان کو پڑھانا ہے، ایسا نہیں کہ ایڈمیشن لے لیا اور آپ آئیں امتحان میں بیٹھیں، ہمارے حاضری کمپلسری ہے، جی ہاں 80% ان کی حاضری ہونی چاہیے، اگر 80% سے کم حاضری ہے تو ہم ان کو امتحان میں بیٹھنے نہیں دیتے ہیں۔ اس کا بڑا، جی اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہاں سے جو بچے فارغ ہوتے ہیں، ایک تو ہمارے یہاں کوئی سیٹ خالی نہیں رہتی ہے، ہم کمپٹیشن سے، ہاں مطلب پروسیس کیا ہے، ارے جیسے
रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर दाखिला फॉर्म भरा गया, फिर एग्जाम होगा, एग्जाम में जो बच्चे का जी हाँ टेस्ट लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हमारे होते हैं। तलबा चाहते हैं कि मेरा दाखिला यहाँ हो, उसकी वजह है कि यहाँ तालीम होती है और यहाँ के पढ़े हुए बच्चे आज अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया के जिस खित्ते में भी आप जाएंगे इमारत शरिया के इन इदारों के पढ़े हुए आपको मिलेंगे। अच्छा। बड़ी खुशी होती है जब बाहर मुल्क में जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में पहुंच गए तो कहते हैं सर हमने आपके यहाँ पैथोलॉजी की तालीम पाई, हमने आपके यहाँ ये किया, तो बड़ी खुशी होती है। इसी तरह जो किया वो नजर आ रहा है। इसी तरीके से मौजूदा मेरे शेख मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब दामाद बरकातहुम, जिनकी खुद तालीम के एतबार से अपनी मुनफरिद पहचान है पूरे मुल्क में, रहमानी 30 के जरिए जो उन्होंने नौजवानों को आगे लाने की कोशिश की। कौन सी 30? रहमानी 30। ये क्या है रहमानी 30? आप वाकिफ नहीं है जितने 30 स्टूडेंट को वो किसी पार्टिकुलर शुरू में उन्होंने 30 का नाम दिया, लेकिन ये सुपर 30 वगैरह जी हाँ इस अंदाज के आला जो तालीमी कोर्सेज हैं सिविल सर्विस जी उसकी तैयारी करवाते हैं। और ये कब से शुरू हुआ ये चीज? 10 साल से ये कायम है, तो उनकी इस एतबार से पहचान है कि उन्होंने नौजवानों को मायूसी से निकाल कर उम्मीद का मैदान दिया और हमारे वो बच्चे जो गरीब तबके के हैं उनके वालदेन रिक्शा चलाते हैं, साइकिल की दुकान है, ऐसे बच्चे वहाँ दाखिल होते हैं और वो जिनके माँ बाप ने कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा डॉक्टर बन सकेगा, ऐसे बच्चों को वहाँ रह करके नीट वगैरह की तैयारी कराते हैं। तो हज़रत की एक अपनी पहचान है। इमारत शरिया के अमीर बनने के बाद उन्होंने इमारत शरिया में एक और शोबे का इजाफा फरमाया, इमारत पब्लिक स्कूल के नाम से। अच्छा। इमारत पब्लिक स्कूल के नाम से आपकी ख्वाहिश यह है कि बिहार उड़ीसा झारखंड के तमाम अजला में इमारत पब्लिक स्कूल कायम हो, CBSE तर्ज के स्कूल हमारे हो। बहुत जरूरत है चुनांचे इसका आगाज़ बहुत ही मतलब मैं बहुत खुश हुआ इस चीज़ को जान के क्योंकि इसकी ज़रूरत है अभी ज़्यादा, मतलब छोटे बच्चों की स्कूल और पब्लिक स्कूल होने चाहिए। बिल्कुल सही। तो जहाँ जहाँ हमको अफराद मिल रहे हैं, ज़मीनें मिल रही हैं, वहाँ वहाँ हज़रत अमीर शरीयत स्कूल कायम फरमा रहे हैं। ये एक बड़ा इनकलाबी कदम है इमारत शरिया का तालीम के मैदान में। तो मतलब जब से शुरुआत हुई इस चीज़ की अब तक अगर देखा जाए तो कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस है, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रोग्रेस है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मतलब यहाँ पे क्या अगर एडमिशन टेस्ट होता है उसके बाद बच्चे एडमिशन दाखिला लेते हैं जी, तो क्या बाहर की भी मतलब सिर्फ पटना बाहर से भी अगर मुंगेर खगड़िया की बात करें वहाँ से स्टूडेंट आ सकते हैं? हमारा हॉस्टल है बाजाबता। हाँ मैं पूछना चाहता हूँ हॉस्टल फैसिलिटी है क्या? जी हाँ बिल्कुल हॉस्टल फैसिलिटी हमारे यहाँ FCI रोड में हमारा बाजाबता हॉस्टल है इन बच्चों के लिए। अच्छा। दूर दराज के बच्चों के लिए वहाँ रहते हैं बच्चे। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। फिर अभी आगे का क्या प्रोग्राम है, मतलब इसके डेवलपमेंट के लिए आप? हम इस बात पर मैं कुछ जी हाँ हम लोग नए नए ट्रेड की तलाश में हैं जिसका डिमांड मार्केट में है, जिसके तकाजे हैं, ऐसे ट्रेड की को का सिलेक्शन करके हम लोग सरकार से मंजूरी लेकर इस तरह के नए नए कोर्सेज का इजाफा जैसे जैसे तकाजे जिन जिन कोर्सेज के समझ में आ रहे हैं उसकी तारीफ। जी हाँ जी हाँ। तो उनकी फैकल्टीज टीचर वगैरह आपको कहाँ से मिल जाते हैं? हाँ टीचर हमारे यहाँ जैसे नए कोर्सेज हैं तो अगर कोई नया कोर्स आ रहा है आज की डेट में तो उस तरह का हम टीचर तलाश करते हैं। हाँ तो उनको तलाश करना बड़ा मुश्किल होता होगा, इसके लिए हम लोग हेल्प देते हैं, ऐड के जरिए बाजार उनका सिलेक्शन होता है। एडमिशन का क्या प्रोसेस, आप लोग अखबारों में इश्तहार आती है? अखबारात में देते हैं, पंफलेट शाये होते हैं हमारे यहाँ, नकीब वीकली हमारा वो पर्चा है। अच्छा। जैसा बहुत पूरा नकीब उसमें देते हैं, हिंदी अंग्रेजी अखबारात में एड देते हैं, बैनर जगह जगह लगते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है ये। हाँ। सोशल मीडिया ने तो और आसान कर दिया है। बिल्कुल। तो जैसे अब कुछ स्टूडेंट यहाँ भी जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके जरिए भी जी आगे तक इन्फॉर्मेशन जाती होगी। हमारे यहाँ तो सूरत हाल ये है कि अगर मुझे एडमिशन जून में लेना है तो 6 महीना पहले ही से बच्चे आकर के वहाँ अपना नाम लिखाते हैं कि सर जैसे ही वक्त हो हम लोगों को इन्फॉर्म किया जाए। तो क्या मतलब आप फ्यूचर में कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाएं? मतलब हाँ बिल्कुल है ना, बिल्कुल, क्योंकि अब एक लिमिटेशन होगी ना कि अगर 150 बच्चे को लेने 100 बच्चे को लेने और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा, आप लोग को खुद मायूसी होती होगी कि सारे बच्चों को नहीं ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग की सोच होगी कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। इसकी हमेशा कोशिश रही है
और हमेशा कोशिश रही है और आज भी है, कल भी रहेगी, जितना ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा लें। अच्छा, अभी यहाँ पे मात शरह की बात की जाए तो आपको कैसा लगता है किन किन चीज़ों की कमी है जिसको अगर पूरा किया जाए तो? देखिए, इमारत शरिया में जो कमी की बात आप कर रहे हैं, इमारत शरिया सिर्फ इस बिल्डिंग का नाम नहीं है और इमारत शरिया सिर्फ उसका उन लोगों का नाम नहीं जो यहाँ मुलाजिम की हैसियत से हैं या स्टाफ हैं, बल्कि इमारत शरिया बिहार और इससे झारखंड में फैले हुए एक एक मुसलमान का नाम है। अच्छा, कमी की जहाँ तक बात है तो हम अपने समाज को, अपने कौम के लोगों को, अपने लोगों को ये चाहते हैं कि तालीम के मैदान में आगे आएं। बिल्कुल, अगर उनके अंदर कोई कमी है तो हम ये समझते हैं कि मेरी कमी है। अरे वाह, ये बहुत ही अच्छा जवाब रहा हमारे सवाल का, बहुत ही बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, जैसे अब कोई बच्चे हैं, अब BCA कर रहे हैं, अगर मैं BCA की बात करूँ, उन्होंने कम्प्लीट कर लिया कोर्स, उसके बाद क्या कोई प्लेसमेंट वगैरह भी, किसी पार्टिकुलर कोर्स की प्लेसमेंट भी है यहाँ पे, या फिर क्या मतलब वो कोर्स करके चले गए तो उनको खुद से जॉब सर्च करनी पड़ेगी, या फिर मेरा कहने मतलब कोई प्लेसमेंट वगैरह भी यहाँ पे मादे शरिया प्रोवाइड करती है ऐसे स्टूडेंट को? देखिए, बहुत सारे कंपनी के लोग हैं जो कंसल्ट में रहते हैं। अच्छा, कॉन्टेक्ट करते हैं आपसे तो उनको भी देते हैं, खुद हमारे बच्चे ही खुद, हम लोग एक फिक्र देते हैं कि आप अपने आप को मुंजमिद बना के नहीं रखो, अपनी दुनिया आप तलाश करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डिपेंडेंट तो नहीं होनी चाहिए। जब तो ये कंप्लीट यहाँ से कोर्स कर रहे हैं, उनमें इतनी एबिलिटी हो कि वो खुद उनके पास जॉब आए। जी, बहुत सारे मेरी नज़र में ऐसे बच्चे जो मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आज की डेट में यहाँ से कोर्स करके गए और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की पढ़ाई हो रही है? जी हाँ, जैसे हमारे यहाँ मैंने आपको बताया कि हारून नगर में उस्मान गनी गर्ल्स इंस्टीट्यूट है, वहाँ सिर्फ हमारी लड़कियाँ ही पढ़ती हैं। अच्छा, वहाँ सिर्फ हमने लड़कियों के लिए। नहीं, मैंने जहाँ तक पढ़ा था कि आप लोग शुरुआत में जब एजुकेशनल चीज़ें आई थी तो फोकस था कि लड़कियों को ज़्यादा मतलब इसमें पार्टिसिपेट किया जाए ताकि बेसिकली लड़कियाँ। आज भी ये फिक्र है, आज भी हमारी ये फिक्र है कि हमारे समाज की बच्चियाँ भी तालीम के मैदान में आ जाएँ। ओके, सो इसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आप लोग को सपोर्ट मिलता है इस इदारे के लिए? गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट यह है कि हमारे जो ये इदारे हैं उनकी मंजूरी देते हैं, वक्त पर इम्तहान लेते हैं। आपको ये खुशी होगी। अच्छा, कि पूरे बिहार में जितने भी इस तरह के टेक्निकल इदारे चलते हैं, हमसे सरकार बहुत मुतमईन है कि हमारे यहाँ के बच्चे इम्तियाजी नंबर से कामयाब होते हैं, टॉप करते हैं बिहार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन जो है ना, तो वो ऐसे नहीं कि तो खानापूर्ति वाले पास नहीं है, मतलब ईमानदारी से और क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा। अच्छा, मतलब कोई एक सक्सेस स्टोरी बताइए जो यहाँ के एलुमनाई हैं, स्टूडेंट जो अभी कहीं भी हों विद इन कंट्री और ओवरसीज में, कुछ अच्छे पोजिशन में वो अच्छा कर रहे हैं, जिससे आपको एक एग्जाम्पल देने की ज़रूरत होती है कि ये देखिए यहाँ से यहाँ के स्टूडेंट इतना अच्छा कर रहे हैं, कोई एक सक्सेस स्टोरी बताइए यहाँ के बारे में, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी, वैसे स्टूडेंट जो बहुत अच्छा मतलब आउटस्टैंडिंग पोजीशन में है आज की डेट में जिन्होंने यहाँ से कोर्स किया। वैसे तो सारे एम्प्लॉयड होंगे आई थिंक, बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कि बहुत अच्छे पोजीशन में होंगे आज की डेट में यहाँ से कोर्स करके गए हैं। ऐसे स्टूडेंट की तादाद एक लंबी है, लंबी है। मैंने आपसे कहा कि जब हम बाहर मुल्क जाते हैं, दूसरे लोग भी बाहर मुल्कों में जाते हैं और हरम शरीफ में है, वहाँ आ गए, कोई आप कहाँ से आए हैं, जैसे कि आप फुलवारी शरीफ, तो सर मैंने वहाँ तालीम पाई है, इमारत शरिया में तालीम पाई है। ऐसे बच्चे एक दो नहीं, हज़ारों की तादाद में है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, शरीफ साहब ये वीडियो काफ़ी लोग आपको देख रहे हैं और मेरा मकसद ही है कि मैं इसको लोगों तक पहुँचाऊँ आपके मैसेज को। बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी कि किस तरह ये इमारत शरिया काम कर रहा है और इसकी ओवरऑल प्रोग्रेस अब तक क्या थी। तो आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं उन छात्र छात्राओं को जो आपको देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पे आके एडमिशन लें बट वो आ नहीं पा रहे हैं, रिमोट लोकेशन में हैं? मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपना हौसला वो बुलंद रखें। बिल्कुल, कभी ये नहीं समझो कि गुरबत तालीम की राह में रुकावट है। हरगिज़ गुरबत तालीम की राह में रुकावट नहीं है। हौसला बुलंद होगा, मेहनत करें, ये कंपटीशन का ज़माना है। कंपटीशन, अगर वो अपने आप को, मैं उनसे यही कहूँगा कि अपने वक्त को ज़ाया न करें, बर्बाद न करें। आजकल मोबाइल और नेट ने हमारे नस्लों को तबाह बर्बाद कर रखा है। वो वक्त की कीमत को समझें और अगर उनका कहीं
इतनी मेहनत के बावजूद भी उनको कहीं दिक्कत महसूस होती है, तो जिस तरीके से उनके माँ बाप उनके गार्जियन हैं, हम लोग भी अदना सा गार्जियन उनके हैं। हाँ, हम उनकी खिदमत करने को अपने दुनिया और आखिरत की कामयाबी समझेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।